आने वाले मंडे नाइट रॉ में होने वाला है WWE चैंपियनशिप का मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस बॉबी लैशली के बीच। लेकिन गाइस हमें इस मैच के अंदर प्रोबेबली एक शॉकिंग टाइटल चेंज दिखा दे सकता है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीज होने वाली और डेफिनेटली हम एक टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्मैकडाउन की भी रेटिंग्स आ चुकी है हमारे सामने, साथ ही में क्या एज का है मेडिकल अपडेट और एक WWE सुपरस्टार का होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, साथ ही में ट्रिपल एच के जो है मेडिकल के ऊपर आ चुकी फ्रेश न्यू अपडेट। तो वीडियो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स होने वाली है, वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्विक अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है WWE के सुपर शोज के बारे में। जो कि कल हमें दिखाया दिया था WWE DC Arena में दिखाया दिया था और अभी इसका रिव्यू मैं करूंगा नहीं, लेकिन मेन इवेंट के अंदर रोमरेस एंड उसोस फेस करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड फिन बैलर को, और मैच के अंदर रोमरेस एंड जो उसोस की टीम है उनकी ब्लड लाइन जीती और भी बाकी जो वीडियो जो सुपर शो हुआ है WWE का उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाके उसे आप जो चेकआउट कर लेना। और भाई यहाँ पर से ये हमें मेन इवेंट दिखा दिया था, काफी अच्छे मैच था रोमरेस एंड उसोस वर्सेस फिन बैलर वाला, और मैच कैंडी के अंदर रोमरेस अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल करते। ये छोटी सी अपडेट थी, ये अपडेट थी और आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे रिजल्ट, तो उससे जाकर चेकआउट करना। लेकिन सबसे पहले स्मैकडाउन की रेटिंग्स की बात कर लेते, तो भाई सुपर स्मैकडाउन की रेटिंग्स आ चुकी सामने और सुपर स्मैकडाउन के ऊपर आए थे ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, एज और सेथ रॉन्स का था सू मैच, डीमन फिन बैलर की रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और भाई काफ़ी बड़ी चीज़ें थी। लेकिन शो की रेंज जो आ चुकी सामने वो आए है 2.217 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते मुकाबले ज़्यादा है। स्टिल रेटिंग जो है बढ़ चुकी है, लेकिन स्टिल शो बढ़िया था। लेकिन गाइस मेरे ख्याल से जो हाइप बनी थी उससे बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है, और मेरे ख्याल से जो शो के अंदर मेन हाईलाइट थी वो थे रोमन रेंस, फिन बैलर एंड ब्रॉक लेसनर, और मेरे ख्याल से शो जो है 2 मिलियन से भी ज़्यादा जाना चाहिए था, एटलीस्ट 3 मिलियन कुछ करीब आना चाहिए था। लेकिन स्टिल ओवरनाइट नंबर्स थे, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं और भी आने वाले मंडे या फिर ट्यूजडे को हमें ओवरनाइट नंबर्स पूरे रिवील होते हुए दिखा देंगे, जो कि होते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको जरूर चैनल पर बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये स्मैकडाउन के ओवरनाइट नंबर्स आ चुके सामने, जो कि पिछले हफ्ते मुकाबले से काफ़ी बढ़िया है। लेकिन नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट होने की सुपरस्टार जो कि है अलेक्सा ब्लिस, और भी अलेक्सा ब्लिस का भी हो सकता है पॉसिबली स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट, और भी स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट क्यों हो सकता है क्योंकि उनका यहाँ पर एक Q&A सेशन होता है जिसके अंदर वो Q&A टाइप से रखती है, और भाई यहाँ पर वो बात कर रही होती कि तुम्हें कहाँ प्ले के लिए जा सकती, तो स्मैकडाउन भी यहाँ पर से वो नाम लेती है, और भाई उससे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी आ रही कि पॉसिबली अलेक्सा ब्लिस हमें स्मैकडाउन लाइव में जाते हुए दिखा दे सकते हैं, और भी आने वाले ड्राफ्ट 2021 के अंदर मे भी अलेक्सा ब्लिस हमें स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट होते हुए दिखा दे सकती, तो ये बड़ी अपडेट है। और भाई पॉसिबल ये पहले स्पॉइलर आ चुके हैं सामने की हमें पॉसिबली अलेक्सा ब्लिस जो है ड्राफ्ट के अंदर होते हुए दिखाई देंगी पार्ट, और भाई मे भी वो हमें मंडे नाइट रॉ से सीधा स्मैकडाउन के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकती है, तो भाई देख लेते क्या होता है उनके स्मैकडाउन के अंदर जाने के बाद। लेकिन ये छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है जो कि WWE सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की है, वो है गाइस अपने सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन का भी होने वाला है WWE का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, और भाई ये होने वाला है केविन ओवेंस से भी पहले, और भाई दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर दिसंबर के एंडिंग के अंदर पॉसिबली सैमी ज़ेन का WWE का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। लेकिन अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू WWE के साथ नहीं किया है, ये फिलहाल अपडेट आ चुकी है सामने, और भाई पॉसिबली सैमी ज़ेन भी हमें अब WWE से जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद देख लेते क्या वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते या फिर नहीं, और भाई क्या सैमी ज़ेन अपना कब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते। लेकिन दिसंबर के मंथ के अंदर हमें पॉसिबली सैमी ज़ेन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता हुआ दिखाई देने वाला है, तो ये बड़ी अपडेट थी। और भाई सैमी ज़ेन का भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है खत्म, देख लेते भाई क्या स्मैकडाउन के सारे सुपरस्टार की तरह क्या WWE की जो सैमी ज़ेन है वो भी क्या अपना जो है रास्ता किसी और कंपनी के अंदर बना लेते या फिर नहीं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं द गेम ट्रिपल एच के बारे में, जिनके गाइस इंजरी के ऊपर आ चुकी अपडेट, और भाई ट्रिपल एच के हाल में जो हार्ट सर्जरी हुई थी इसके ऊपर एक नई कमाल की फ्रेश अपडेट आ चुकी है, और भाई अपडेट के अंदर ये बात पता चली कि जो ट्रिपल एच है वो जो है अभी फिलहाल थोड़ी और देर के लिए रिकवर होने वाले हैं, उनकी फिलहाल एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पीरियड को सामने नहीं आया कि भाई इतने हफ्तों के अंदर दिनों के अंदर वो WWE के साथ फिर एक बार
मतलब वो जो है फिट हो जाएंगे। ऐसे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इसके साथ और भी एक अपडेट है कि जो NXT की जो रीब्रांडिंग है, जो रीस्टार्ट होने वाली है NXT, उसके अंदर भी फिलहाल प्रॉब्लम्स है कि भाई ट्रिपल एच के पास जो कंट्रोल बहुत सारे है, इसी वजह से क्या कुछ चीज़ हमें उसके अंदर करनी चाहिए ये फिलहाल बातें बतानी चल रही। मतलब ऐसे फिलहाल मतलब थोड़ी बहुत जो दिक्कत वाली परेशानी वाली बात बैक स्टेज पर चल रही है NXT को लेकर, क्योंकि ट्रिपल एच बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं NXT के अंदर, ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल। लेकिन अभी फिलहाल ये ट्रिपल एच के साथ जो इंजर वाली चीज़ हो चुकी है, इसके कारण अभी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर कुछ प्लान्स बताए नहीं जा रहे, लेकिन होप हम यही करते कि ट्रिपल एच जल्द से जल्द रिकवर होकर WWE के अंदर आ जाए वापस। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के गाइस अपने कमाल के मैच के बारे में, जो कि हुआ था एज और सेथ रॉलिंस का। और इस मैच के अंदर एज है वो बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुके हैं, एज बुरी तरीके से इंजर्ड करे जा चुके हैं सेथ रॉलिंस की ओर से। और भी इसके ऊपर एज के मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर आ चुकी है अपडेट, तीन अपडेट है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तीन थिंग्स सामने आ चुकी है। पहली थिंग है गाइस एज मे बी गाइस सच में इंजर्ड हो चुके हैं या फिर गाइस ये स्टोरी लाइन का भी पार्ट हो सकता है, और पॉसिबली एज हमें जो है गाइस WWE के साथ कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कुछ महीनों के लिए गायब होते हुए दिखा दे सकते हो। और भाई पॉसिबली उनकी जो रिटर्न की डेट होगी जब वो WWE के अंदर वापस आएंगे वो होगा पॉसिबली 2022 जनवरी मंथ रॉयल रंबल। और भाई 2022 के रॉयल रंबल में वो फिर एक बार अपनी सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखा दे सकते हैं, ऐसे फिलहाल फर्स्ट स्पेकुलेशन है। सेकेंड जो गाइस अपडेट है वो गाइस बताया जा रहा है कि जो एज है वो हमें गाइस जो नेक्स्ट स्मैकडाउन होगा उसके अंदर या फिर 2-3 हफ्तों के बाद फिर एक बार स्मैकडाउन में रिटर्न आ सकते हैं। और भाई ये हमें पॉसिबल चीज दिखा दे सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि जो हमें अगला स्मैकडाउन होगा इस हफ्ते का उसके अंदर ही वो हमें पॉसिबली अपना रिटर्न करते हुए दिखा दे सकते हैं। और जो फाइनल चीज बताई जा रही है, फाइनल स्पॉइलर है, फाइनल जो अपडेट आ चुकी है वो आ चुकी है इसकी एज हमें फिर एक बार स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगे, क्योंकि वो अटैक करने वाले सेथ रॉलिंस के ऊपर, और उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के बीच एक ब्रूटल मैच, कोई खतरनाक स्टिपुलेशन वाला मैच एक्सट्रीम रूल्स में दिखाई दे सकता है। और इस एक्सट्रीम रूल्स में हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज वर्सेस सेथ रॉलिंस पार्ट 3 हो जाए, और पॉसिबली इसके अंदर कुछ तगड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है जो कि हो सकती है एक्सट्रीम रूल्स की भी स्टिपुलेशन। तो भाई बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली है एज एंड सेथ के रिगार्डिंग, और भाई सेथ रॉलिंस का फेस टर्न भी हो सकते हैं, फिलहाल अपडेट है लेकिन भाई देख लेते हैं। लेकिन जो भी चीज़ होगी वो काफ़ी कमाल की, लेकिन हम सब होप ही करते कि एज को अगर रियल में इंजरी है तो भाई वो जल्द से जल्द रिकवर कर आ जाए वापस। लेकिन गाइस अब जो एज है मेरे ख्याल से अगर वो आते नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर तो किसी तरीके से वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे, और भाई उसके बाद में एक काफ़ी धांसू बढ़िया मैच दिखा दे सकता है एज और सेथ रॉलिंस के बीच। तो आप क्या देखना चाहोगे एज वर्सेस सेथ रॉलिंस एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, और भाई क्या एक्सट्रीम रूल्स मैच आप देखना पसंद करोगे, या फिर किसी अगर और स्टिपुलेशन के साथ आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। बहुत तगड़ी चीज़ थी एज के रिगार्डिंग, एज के प्लान्स को लेकर जो कि मुझे लगा डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भाई एज के ऊपर काफ़ी जो है अपडेट उनकी जो है इंजर्ड होने के बाद आई नहीं थी, तो जो कि मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, और भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ें हैं। तो भाई देख लेते कब करते हैं एज अपने रिकवरी, कब करते हैं एज अपना रिटर्न। लेकिन ये बड़े प्लान्स थे एज के रिगार्डिंग जो कि बहुत मेगा है, मुझे पता है बहुत सारे इस अपडेट ने टाइम ले लिया, लेकिन बहुत बड़ी अपडेट थी। लेकिन आज के बारे में फाइनल अपडेट की बात करूँ जो कि जुड़ी है मंडे नाइट रॉ के WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में, जिसके अंदर प्रॉब्ली हमें एक टाइटल चेंज दिखाई दे सकते, और भाई हमें नया WWE चैंपियन दिखाई दे सकता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। और ये रैंडी ऑर्टन नहीं होने वाले, बॉबी लैशली ना ही अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं, बल्कि अपने बिगी कर सकते हैं मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कैश इन, और वो बन सकते हैं पॉसिबली कल की रॉ में नए WWE चैंपियन, क्योंकि बिगी का एक इंटरव्यू होता है स्मैकडाउन के अंदर मैच जीतने के बाद, वो कहते हैं मैं कभी भी कैश इन कर सकता हूँ, क्या पता मैं रॉ के अंदर भी आकर कल के कैश इन करूँ, मतलब अगले हफ्ते जो होने वाला है इस हफ्ते वाला, तो क्या पता मैं उसमें भी कैश इन करूँ। तो भाई बहुत बड़ी थिंग हो सकती है, और भाई पॉसिबली बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन लगाकर बैठ चुके कि पॉसिबली बिगी वो बंदे हो सकते हैं जो कि हरा सकते हैं बॉबी लैशली को, और भाई मे बी हमें जो है एक नया WWE चैंपियन दिखाई दे सकता है मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो भाई आपके सबसे क्या ये थिंग होने वाली है अपनी, और भाई क्या हमें नया WWE चैंपियन बिगी दिखा देंगे या अपनी, आप मुझे उसके ऊपर आपके थॉट्स बता सकते हो। लेकिन आज के हमारी ये वाली वीडियो बस ये तक की, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल लगाओ ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।